हेलो गाइस, वेलकम टू एम टेक्निकल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरह से अपने स्पीकर का जो चार्जिंग पोर्ट अगर आपसे वो टूट जाए गलती से, तो आप इसको किस तरह से रिपेयर कर सकते हैं, और अगर आपको आपके पास सोल्डिंग वायर नहीं है तो आप उसको किस तरह से आप सिंगल वायर से यूज़ करके आप उसको रिपेयर कर सकते हैं। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ टाइम वी स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, मेरे पास 887 मॉडल का स्पीकर है जिसका चार्जिंग पोर्ट टूट गया है। तो सबसे पहले हम स्पीकर को खोल लेते हैं। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में एक सिंगल वायर है रेड कलर का, और ये मैं वायर को अभी कटर से आउटर कवर उसको निकाल के मैं इसको जो हमारे पास बेसिकली जो सर्किट है, सर्किट में एक डायोड लगे रहता है। आप देख सकते हैं कि मैं उस स्पीकर को डायोड के उस जो वायर को मैं उसके अंदर डालने की कोशिश कर रहा हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो डायोड में डायोड और जो पिन के बीच में एक गैप होता है हल्का सा, अगर वो आपको गैप दिख नहीं रहा तो आप उसको स्क्रू ड्राइवर से या फिर पतली सी नुकीली चीज़ से आप उसमें गैप बना सकते हो ताकि आपका जो वायर है उसके अंदर जा सके। ये मेरे पास पतला वायर, सिंगल गेज का वायर आप यूज़ कर सकते हैं इसके लिए, जो पतले तांबे का वायर होते हैं वो भी चल सकते हैं इसके लिए। तो गाइस, मैं इसमें देख सकते हैं कि मैं इसमें डाल दिया वायर, और डालने के बाद इसमें मैं इसको खींच लेता हूँ। आप किसी भी तरह के इंस्ट्रूमेंट लाइक आप पकड़ का भी यूज़ कर सकते हैं, जो पतले से छोटे पकड़ होते हैं आप उसका इस्तेमाल करके इसको वायर को खींच सकते हो। तो गाइस, ये मेरा वायर खींच के मैं इसको अच्छी तरह से घुमा देता हूँ ताकि कहीं शॉर्ट सर्किट ना और अच्छी तरह से लग जाए। तो गाइस, अभी अगला जो ये जो हमारा स्टेप है, आप देख सकते हैं सर्किट इसमें कि जो मैंने वायर मोड़ा है, ये हमारा चार्जिंग पिन से आ रहा है और ये प्लस वायर है। कभी भी गाइस, अगर आप वायर जोड़ते तो उसके अंदर आप देख लें कि ये जो वायर है प्लस है कि माइनस, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपको। अगर आप उल्टा अगर आप ज्वाइन कर दिए वायर, तो आपका सर्किट जो डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मैं यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैं यहाँ पे ट्रैक करके ये वायर्स को यहाँ पे मैंने डायोड के पास लगाया है। अब जो दूसरा जो मैं वायर का जो सिरा उसको मैं यहाँ पे लगाऊंगा दो USB पोर्ट के पास। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने अच्छी तरह से इसको फिट कर दिया है। सो गाइस, आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पे सर्किट जिस तरह से मैंने रेड वायर लगाया, आपको किस तरह से ट्रैक करके वायर को लगाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो मेरा कनेक्टर का पिन है, जो मेरा VCC है, उसको मैंने ट्रैक किया है। और यहाँ पे ग्राउंड, दो पिन होते हैं कनेक्टर में जो हमारे पास, इसमें जो कनेक्टर लगते हैं उसमें प्लस और माइनस के होते हैं। तो आप माइनस के पिन को आपको नहीं छेड़ना है, वो हर जगह ग्राउंड होते हैं, वो आपस में अटैच होते हैं अंदर सर्किट्स में। आपको सिर्फ देखना है VCC का पिन। बेसिकली जो VCC का पिन है उसको ढूंढना बहुत ही आसान है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सर्किट है, यहाँ पे वो सर्किट में जो क्लियरली वो डायोड से अटैच है, और एक सिरा तो वायर का लगा दिया है डायोड के पास, लेकिन दूसरा सिरा हम लगाएंगे अपना जो USB पेन ड्राइव होता है, फर्स्ट टर्मिनल पे हमें उस वायर को लगाना है। तो जो वायर है, सबसे पहले उसको लगाने के लिए हमें उस जो पिन को है, उस पिन को हमें डिसोल्डिंग करना है, मतलब हमें उसको जो सर्किट से अनमाउंट करना है, माउंट है उसको। तो उसको अनमाउंट करने के लिए आप कोई भी नुकीली चीज़ का यूज़ कर सकते हैं, लाइक मेरे पास तो स्क्रू ड्राइवर है, मैं स्क्रू ड्राइवर का यूज़ करके उसको मैं निकाल रहा हूँ। तो आप कोई भी लाइक आप सुई भी यूज़ कर सकते हैं। जो वो जो हमारा पिन रहेगा, वो हमारा VCC रहेगा, वो कहीं पर भी अटैच नहीं होगा, वो सिर्फ हमारे डायोड से जो मैंने जम्पर वायर जो रेड कलर का मैंने मारा, जो दूसरा सिरा है वो उस वायर में जाके अटैच हो जाएगा। तो इस तरह से गाइस, उस जो चार्जर का जो पोर्ट है उसको हम VCC और ग्राउंड दोनों सप्लाई दे देंगे। ग्राउंड तो यहाँ पे जो USB का जो पोर्ट लगा है वहाँ से उसको मिल जाएगा, और इस तरह से वो अगर हम उसको मैं USB पोर्ट लगाएंगे तो वहाँ से उसको चार्जिंग पोर्ट में सप्लाई मिल जाएगा। सो गाइस, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने उस पिन को मैंने निकाल दिया, और निकालने के बाद यहाँ पे मैंने जो है उसको दूसरे वायर से कनेक्ट कर दिया है। और आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पे मैंने एकदम इस तरह से कनेक्ट किया है कि जो उसके जो वायर है उस टर्मिनल कहीं भी अटैच नहीं हो रहे हैं। अगर आपको ज़्यादा सेफ्टी चाहिए तो आप उसके लिए इसमें टेप भी मार सकते हैं, बट गाइस मेरा डेमोस्ट्रेशन पर्पज है, सो मैंने इसको आपको दिखाने के लिए इसमें टेप नहीं मारा है। सो गाइस, ये तो बात हो गई चार्जिंग की। तो अब हम बात करते हैं डेटा केबल जो हम USB पोर्ट में लगाने वाले हैं। तो हमारे पास जो ओल्ड डेटा केबल है, हमें नए डेटा केबल को नहीं काटना है। हमारे घर में ऐसे ओल्ड डेटा केबल जो कि काम नहीं करते हैं, हमें उसको लेना है, और उसके जो ऊपर वाले जो चौड़े सिरे जिसको USB पोर्ट बोलते हैं, USB को हमें काट के निकाल लेना, जिस तरह से मैं आपको स्क्रीन में दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि स्क्रीन में यहाँ पर मैंने एक ओल्ड डेटा केबल लिया और इसको मैं काट के यहाँ पर लगा रहा हूँ। और लगाने के बाद जो डेटा केबल अगर आप काटेंगे, उसको कटर से निकालेंगे, तो उसमें दो वायर निकलेंगे। तो आपको रेड वाले वायर को रेड में लगाना है,
बिना एनी डाउट, और दूसरा जो वायर है उस ऑरेंज को या फिर ब्लू को आपको एक दूसरे में ज्वाइंट करना है। सो गाइस इस तरह से इसको हम ज्वाइंट करके अच्छे से टेप मार लेंगे ताकि कहीं शॉर्ट सर्किट ना हो। तो अब हम इसको कनेक्ट करके चेक करते हैं कि इसमें पावर आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने जो मेरे पास चार्जर एडाप्टर, आप कोई भी अडाप्टर यूज़ कर सकते हो, 5 वोल्ट का एडाप्टर, तो मैं 5 वोल्ट के अडाप्टर में उसको लगाता हूँ। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि वायर देख सकते हैं आप। और उसके बाद यहाँ पे जो यूएसबी पोर्ट आ रहा है उसको मैं चेक करके आपको दिखाता हूँ। सो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं इसको लगाने वाला हूँ यहाँ पे। सो गाइस यहाँ पे बाहर जाके टेस्टिंग की, तो हम टेस्टिंग के लिए यहाँ पे मैं यूएसबी पोर्ट को लगा रहा हूँ अपने जो सर्किट है, सर्किट में देखते हैं कि ये चलता है कि नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सर्किट प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। यहाँ पे ब्लू लाइट इसलिए आ रही है कि ये जो ऑन ऑफ का बटन है मैंने पीछे से ऑन किया है, और अगर वो बटन ऑफ कर दे तो ब्लू लाइट भी नहीं आएगा। और यहाँ पे कभी कभी ब्लू लाइट अगर आपको आता तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप बैटरी डिस्कनेक्ट करेंगे तो ब्लू लाइट आता ही है क्योंकि वो फुल चार्जिंग का साइन होता है। तो अगर आप बैटरी अगर अटैच करेंगे तो लाइट रेड ही आएगा, टेंशन नहीं उसमें। तो आप देख सकते कि यहाँ पर जो नीचे मेरा बटन है वो ऑन है, इसलिए यहाँ पर ब्लू लाइट आ रहा है। सो गाइस वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके बताओ, और आपके भी स्पीकर में कौन से प्रॉब्लम है आप कमेंट में बताएं, हो सके तो मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा जो कि आपको हेल्प हो जाएगी। और जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।